क्या हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की उन सभी अदाकाराओं के बारे में जिन्होंने वक्त से पहले जिंदगी से नाता तोड़ा। 40 से भी उम्र उन्होंने पार नहीं की थी और वक्त से पहले जिंदगी उनसे इस कदर नाराज हुई कि हमेशा के लिए जिंदगी से उन्होंने खफा होने का फैसला लिया। किसी की मजबूरी, किसी की अपनी मर्जी, तो किसी की बदकिस्मती, किसी के साथ हालात बुरे, किसी को बीमारी ने हरा दिया, किसी को किस्मत के आगे हारना ही पड़ा, तो कभी किसी के साथ प्रकृति ने कुछ ऐसा किया कि जिंदगी का साथ सारे अधूरे सपने को छोड़कर चले गए। हम उन अभिनेत्रियों की बात कर रहे हैं जिनके निधन का गम आज भी फिल्म इंडस्ट्री में उतना ही है जितना उनके निधन के दिन हुआ करता था, जिन्हें भूले नहीं भुलाया जा सकता है। बॉलीवुड की वो हसीनाएं जो आज नहीं बल्कि कई सालों से याद की जा रही हैं। अब तक आपने सुना होगा नाम दिव्या भारती, मीना कुमारी, मधुबाला का, लेकिन क्या आपको मालूम है इन अभिनेत्रियों ने छोटी उम्र में एक बड़ी पहचान बॉलीवुड में बनाई और बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा योगदान देने का उनका जो सफर था वो बीच राह पर ही छूट गया था असमय निधन की वजह से। डिप्रेशन से जूझते हुए भी किसी अभिनेत्री का निधन होना उतना ही दुखदाई था जितना बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के निधन के पहले मधुमाला के निधन से लोग दुखी थे। स्मिता पाटिल की हम बात करेंगे। 10 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाली स्मिता पाटिल के बारे में आपको शायद ही मालूम हो, लेकिन स्मिता पाटिल ने अपने बेटे प्रतीक को जन्म देते हुए ही जिंदगी से आखिरी सांस लेते हुए दूसरी कदम बढ़ाया था और वो अपनी जिंदगी को छोड़ गई थी। 31 की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री सदमे में थी, तब स्मिता का बोलबाला बॉलीवुड में चल पड़ा था। 19 साल की उम्र में हम सबसे दूर गई दिव्या भारती को कहां कोई भुला पाया है। मुंबई में अपने ही अपार्टमेंट से गिरकर दिव्या भारती का निधन हुआ। उनके निधन की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है, लेकिन लोग उन्हें याद कर आज भी आंसू को नहीं रोक पाते। शोला, शबनम, दीवाना, विश्व, आत्मा जैसी फिल्मों से रातों रात सुपरस्टार बनने वाली दिव्या ने कई फिल्में साइन किए थे। ऐसी ही एक एक्ट्रेस है सिल्क। साउथ फिल्मों की जानी मानी अदाकारा विजय लक्ष्मी को हम सिल्क के नाम से ही जानते हैं। सिल्क स्मिता, जिनकी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, विवादों से घिरी हुई थी, 35 की उम्र में उनका भी निधन साल 1996 में 23 सितंबर की तारीख को हुआ। वो भी एक रहस्य बना रह गया। बॉलीवुड की वेनिस कही जाने वाली एक्ट्रेस मधुबाला, दिवंगत मधुबाला, जिन्होंने हॉलीवुड का ऑफर तब ठुकराया जब बॉलीवुड में भी काम करने के सपने, फिल्म इंडस्ट्री में आने के सपने एक्ट्रेसेस देखा करती थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला, जिनके दीवाने आज भी लोग हैं, 36 की उम्र में उन्हें उनकी बीमारी ने हरा दिया। हाथ में हूल के कारण बीमारी जो लाइलाज थी उस वक्त, उन्हें इस बीमारी के आगे झुकना ही पड़ा और जिंदगी इस बीमारी ने उनके साथ ले लिया। ऐसी स्थिति थी आखिरी समय में उनकी कि आज बोलकर भी लोग कांप उठते हैं। वही बात ट्रेजेडी किंग क्वीन मीना कुमारी की जाए। मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित थी मीना कुमारी, जिनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। सिर्फ 39 साल की उम्र में मीना कुमारी का निधन हो गया था। कहा जाता है आखिरी समय में अपने दर्द को कम करने के लिए वो लत का भी सामना कर रही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।